हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। सो आज रिवीजन मॉड्यूल के तहत हम एनवायरनमेंट पार्ट टू डिस्कस करेंगे। पार्ट वन जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। देखिए, रिवीजन मॉड्यूल के तहत ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं इनको अपलोड कर दिया गया है। इंडियन पॉलिटी के 4 पार्ट्स अपलोड कर दिए गए हैं जो कि लगभग 1 ईयर का करेंट अफेयर कवर कर रहा है। साथ में एनवायरनमेंट के 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए गए हैं, इंक्लूडिंग दिस वन। मैपिंग में के भी 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए गए हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के जो है एक पार्ट अपलोड किया गया है। इंटरनेशनल एनजीओ जो है कवर किए गए हैं। साथ में इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स हैं, उनको कवर किया गया है। ज्योग्राफी का भी एक पार्ट अपलोड किया गया है जिसमें एल नीनो, ला नीना, एल नीनो मोडोकी जो टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है। देखिए, हर साल जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक्स से। अगर आप पिछले साल का पेपर देखें तो उसमें इंडियन ओशन डाइपोल जो है उसके बारे में क्वेश्चन था। सिमिलरली अगर आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखें तो उसमें भी जो क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक से पूछे गए हैं। आप फेसबुक पेज में मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। माई आई डी इज सौरभ पांडे 009। उस पेज में आपको इन टॉपिक्स या जो ये टॉपिक्स के मॉड्यूल हैं इनके लिंक्स भी मिल जाएंगे। साथ में अगर आपको कोई क्वेरी है वो भी आप शेयर कर सकते हैं। सो हमारे पेनड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं इन सारे ही एग्जाम के लिए। एसएससी है, यूपीएससी है, यूपीएससी ऑप्शनल है, डिफेंस एग्जाम कोर्सेज हैं और स्टेट पीएससी कोर्सेज हैं। आप StudyIQ.com वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके इन कोर्सेज के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए पहला टॉपिक डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है पर्माकल्चर। देखिए, पर्माकल्चर क्या है? पर्माकल्चर एक तरीके से एक फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है। जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ये बेस्ड है 3 पीस पर। क्या है? पी है एक पीपल, दूसरा है प्लैनेट और तीसरा है प्रॉफिट। जब हम पीपल की बात करते हैं तो जो एग्रीकल्चर जिस तरह का प्रैक्टिस कर रहे हो उसके तहत जो पीपल है उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखना है। प्लैनेट के तहत आपको इकोलॉजिकल एस्पेक्ट का ध्यान रखना है और प्रॉफिट के तहत आपको जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है उसको ध्यान रखना है। तो पर्माकल्चर एक ऐसा फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है जिसमें आप ध्यान रखते हो क्या कि हार्मोनियस सिनर्जी ऑफ पीपल एंड लैंड टू प्रिजर्व एंड इनहेंस नेचुरल इकोसिस्टम। इसका मतलब जो प्लैनेट एस्पेक्ट है, मतलब जो इकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है वो काफ़ी फोकस्ड रहता है अंडर पर्माकल्चर। अब पर्माकल्चर एक ऐसा साइंटिफिक वे है जिससे कि आप जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है वो सिर्फ फार्म एरिया में नहीं बट बियॉन्ड फार्म एरिया आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये स्मॉल एरिया है, यहाँ भी बाय यूजिंग दिस पर्माकल्चर आप जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हो। सो ये जो पर्माकल्चर है इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सिटी फ्लैट्स में है, विंडो बॉक्सेस, सब अर्बन कंट्री हाउसेस, अलॉटमेंट एंड स्मॉल होल्डिंग्स, कम्युनिटी स्पेसेस, फार्म्स एंड स्टेट्स, जो कंट्री साइड है, कमर्शियल इंडस्ट्रियल प्रीमाइसेस है, एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, वेस्ट ग्राउंड, इन सारी जगहों पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसका मतलब सिर्फ फार्म एरिया में ही आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटी प्रैक्टिस नहीं करती, रादर पर्माकल्चर के थ्रू आप बियॉन्ड भी प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है B4। अब B4 क्या है? द ब्रह्मपुत्र बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी बोर्ड। अभी किस लिए लॉन्च किया गया? टू सेफगार्ड द एशियाज लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड जो है मजूली। मजूली कहाँ पे? इस रीजन पे ब्रह्मपुत्र रिवर पे ये जो है ये रिवराइन आइलैंड प्रेजेंट है। अब ये रिसर्च जो है इस बोर्ड को यूज करके जो की जा रही है इसके तहत हम स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आए, किसकी वजह से, डैम्स के कंस्ट्रक्शन की वजह से या फिर क्लाइमेट चेंज की वजह से या ह्यूमन इंटरवेंशंस की वजह से या दूसरे एस्पेक्ट्स की वजह से, जिसकी वजह से अगेन जो रिवर इकोसिस्टम है वो भी अफेक्ट हुआ है। अगर मजूली की बात करें तो मजूली जो है फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है कहाँ का? अपनी कंट्री का, मतलब इंडिया का। साथ में यहाँ पे जो असम का वैष्णो मोनेस्ट्रीज भी हैं वो भी प्रेजेंट है मजूली आइलैंड। तो ये फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है सनरीफ। सनरीफ क्या है? सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी फाइनेंस। अब देखिए, जो ये सनरीफ हाउसिंग इंडियन प्रोग्राम है ये क्या है? ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा और साथ में किनके साथ मिलकर? एफडीए, मतलब कि फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी और यूरोपियन यूनियन के द्वारा। इसका एम क्या है? कि ये ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करेगा। अभी जो ग्रीन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं ये मेनली बेस्ड होंगे ग्रीन रेसिडेंशियल बिल्डिंग को बनाने में। अब ग्रीन रेसिडेंशियल बिल्डिंग क्या है? कि ऐसी बिल्डिंग्स जहां पे आप एनर्जी कंजर्वेशन पे ध्यान रखते हो, वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान रखते हो, साथ में जो बिल्डिंग मटेरियल है उनको भी एफिशिएंटली यूज करते हैं। तो इसकी वजह से क्या है, इकोसिस्टम जो है या जो हमारी इकोलॉजी एनवायरनमेंट है उसके लिए जो ये बिल्डिंग्स है काफ़ी फायदेमंद होती हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। देखिए जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है वो एक तरीके से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ये आप मानिए एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑफिस कहाँ है? वो है कैम्ब्रिज यूके में। और ये क्या करती है कि आइडेंटिफाई करती है इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज। नेक्स्ट टॉपिक है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। अब ये जो है पैन इंडिया वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक तरीके से जो नेचर कंजर्वेशन के लिए काम करती है। कब से? 1883 से। ये भी पार्टनर करती है इसने इंडिया में पार्टनर भी कर रखा है कि इसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल को इसको डेजिग्नेट किया गया है साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि इसने क्रिएट किया है इंटरनेट ऑफ बर्ड्स। इसके तहत क्या है कि जो बर्ड वॉचर्स हैं वो फोटोज को ध्यान में रख के या फोटोज के बेसिस पे जो बर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ये टूल है। नेक्स्ट है वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब ये जो इंडेक्स है जो हाल ही में रिलीज हुई है इसमें इंडिया की रैंकिंग है 14th। ये किसके द्वारा इश्यूड है की जाती है? ये है द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है लगभग 56 कंट्रीज को रैंक करती है और प्लस यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को, जो कि 90% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन को के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर हम बात करें तो ये 4 कैटेगरीज जो है रैंकिंग के लिए यूज करती है। वो कौन कौन सी हैं? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी। जो इंडिया की रैंकिंग है वो इंप्रूव हुई है। पहले थी 20th इन 2017, लेकिन 2018 में जो रैंकिंग है वो है 14th। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल सीड वॉल्ट। अब देखिए ग्लोबल सीड वॉल्ट क्या है, आप ये समझिए एक ये ऐसा स्टोरेज फैसिलिटी है जहां पे जो है मिलियंस ऑफ सीड के सैंपल्स जो है रखे हुए हैं जो वर्ल्ड के जो जीन बैंक से वहां से लिए गए हैं, जिससे कि मान लीजिए कभी फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा नेचुरल कैलेमिटी आती है तो जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस है वो इस जीन बैंक को यूज करके अपने जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज है उसको प्रमोट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी काफी हेल्पफुल है। तो ये जो ग्लोबल सीड वॉल्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये नॉर्वे जो है वहाँ पे लोकेटेड है। और ये किस आइलैंड में है? स्वलबार्ड जो आर्चीपिलैगो है जो आर्टिक रीजन में, वहाँ पे ये लोकेटेड है। ये कब स्टैब्लिश किया गया? 2008 में। इंडिया सीड वॉल्ट है वो कहाँ है? चांगला लद्दाख में। और इसको किसने बिल्ड किया? इसको बिल्ड किया डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एल्टीट्यूड रिसर्च एंड नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। कब? 2010। इन सपोर्ट ऑफ किससे? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में। और यहाँ पे जो सीड्स रखे हुए हैं किस फॉर्म में? परमा फ्रॉस्ट कंडीशन में रखे हुए हैं। साथ में ये सेकेंड लार्जेस्ट जो है वर्ल्ड में, ये भी फैक्ट आपको। नेक्स्ट टॉपिक है वो है किगाली एग्रीमेंट। देखिए जो किगाली एग्रीमेंट है वो क्या कर रहा है? वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट लेकर आया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर आप देखें तो ये डील करता है ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है। फॉर एग्जांपल CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है? ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है। सिमिलरली अगर आप देखें HCFC जो कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये भी क्या है? ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है। बट ये दोनों जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसेज भी हैं, बहुत पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज भी हैं। इसलिए किगाली एग्रीमेंट के तहत क्या किया गया है कि ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है इसको ग्रीन हाउस कैटेगरी में डालकर जो है इसे एज अ ग्रीन हाउस गैस ट्रीट किया जाएगा। इसको ग्रीन हाउस गैस की कैटेगरी में डालकर इससे क्या हुआ है कि जो हमारा एम है, जिससे कि हम चाहते हैं कि 21st सेंचुरी तक की जो एंड तक जो टेम्परेचर है लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस तक रिड्यूस हो जाए, तो वो जो हमारा एंडेवर है उसको हम अचीव कर सकते हैं। ये जो अमेंडमेंट है ये कब से बाइंडिंग होगा कंट्रीज पर? बाय 2019। ये भी ध्यान रखना है। अब देखिए इस एग्रीमेंट के हिसाब से जो कंट्रीज हैं उनको रिड्यूस करना पड़ेगा मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs इन गैसेस को बाय रफली 80 to 85%। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो अगेन जैसे हमने डिस्कस किया कि ये ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंसेस हैं, इनसे डील करता है। देखिए ये ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वहाँ पे है वो है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर के जो लोअर लेयर है जो कि ऑलमोस्ट जो 50 किलोमीटर तक है वहाँ पे आपके प्रेजेंट है ओजोन। ये जो ओजोन है ये हमको प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो एम करता है कि जो ये ओजोन डेप्लेशन है उसको रोका जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल जो गैसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CFCs है या जो है HCFCs हैं, ये जो गैसेस हैं ये हैं ओजोन डेप्लेटिंग सब्सटेंसेस। तो इनके मैन्युफैक्चर और यूज को रिड्यूस करके एक तरीके से जो ओजोन होल का फॉर्मेशन है उसको रोका जा सके। अभी कब फोर्स में आया? 1989। दूसरा क्या है, इसके मेंबर कंट्री हैं लगभग 197। अब जो किगाली एग्रीमेंट है ये 8th अमेंडमेंट है इस प्रोटोकॉल में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। अब जो रामसर कन्वेंशन है ये कब आया? 1971 में, और ये एम करता है कि जो वेटलैंड्स है उनका प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन। अब ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिया भी इसका पार्ट है। साथ में ये क्या प्रोवाइड करता है कि जो नेशनल एक्शन फ्रेमवर्क हो वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए, साथ में इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी हो फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। अब बहुत सारी वेटलैंड्स जो साइट्स हैं वो आपको ध्यान में रखनी है, उनके नाम ध्यान रखने हैं कि किस जो स्टेट में ये सारे वेटलैंड्स हैं। साथ में अगर पास में कोई रिवर है तो उसके भी नाम आपको ध्यान रखने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अस्थायमुडी है, भीतरकनिका भोज वेटलैंड है, चंद्रताल है, चिलिका है, दीपोर बील है, ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड है, हरिके है, ओकेरा है, कजिली है, क्योलादियो है, कोलेरू है, लोकटक है, नाल सरोवर है, पॉइंट कैलमेर है, जो पोंग डैम लेक है, रेणुका है, रोपर है, रुद्र सागर है, सांभर है, सस्थाम कोट्टा है, सुरिनसार मानसार है, तसो मुरीरी है, अपर गंगा रिवर है, वेमनाद है और वुलर लेक है। तो इनके जो नेम्स हैं और किस स्टेट में हैं इनको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जो वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है कि इसी दिन जो है जो रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड है वो अडॉप्ट किया गया था, इसलिए इसे वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या थी? वेटलैंड फॉर अ सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर। अब ये थीम को आप कनेक्ट कर सकते हैं चेन्नई फ्लड से। जो चेन्नई फ्लड जो आया था हाल ही में उसको कहा जाता है कि उसका जो रीजन था वो इसलिए था कि जो वेटलैंड्स थे उनका एनक्रोचमेंट हुआ था, वहाँ पे जो बिल्डिंग्स है उनका कंस्ट्रक्शन हो रखा था और कॉन्क्रेटाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स हो रखा था। इसकी वजह से जब रेनफॉल हुई तो जो वाटर है वो नीचे पेनिट्रेट नहीं हुआ। जब वेटलैंड था तो क्या था कि जब रेनफॉल होती थी तो वाटर जो है नीचे चला जाता था और वो ग्राउंड वाटर का पार्ट बन जाता था, लेकिन जब इसको कॉन्क्रीट सर्फेस में कन्वर्ट कर दिया तो वाटर जो है वहीं सर्फेस के ऊपर ही एक्युमुलेट होता गया और उसकी वजह से आपको फ्लड फेस करना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि जो अर्बन फ्यूचर के लिए जो अर्बन स्पेस है उसको प्रॉपरली मेंटेन रखना चाहिए और उस अर्बन स्पेस में इन वेटलैंड्स को भी इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। नेक्स्ट है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। अब देखिए इसको ऐसे समझिए कि फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए जो फॉरेस्ट लैंड है उसको क्लियर किया। अब ये जो फॉरेस्ट लैंड को अगर क्लियर किया तो फॉरेस्ट एरिया रिड्यूस हुआ, तो इसके लिए क्या करना है कि जो नॉन फॉरेस्ट लैंड को आइडेंटिफाई करके उतना ही फॉरेस्ट एरिया आपको डेवलप करना है। तो इसको हम बोलते हैं कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। और ये किस में डिफाइंड है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। जब भी कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन किया जाता है तो उसको उस प्रोजेक्ट में जो भी प्रोजेक्ट होता है जो उस प्रोजेक्ट को रन करता है उसे कुछ फाइनेंस भी करना पड़ता है, जिससे कि जो फॉरेस्ट है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके, उसको मेंटेन किया जा सके। और वो किस फंड का पार्ट होता है, वो जो फाइनेंस है वो किस फंड का पार्ट होता है? नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड, जो कि किसके अंडर आता है? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। और स्टेट कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड जो कि पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट के अंडर आता है। अब जो ये फंड है ये किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? नेशनल कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जिसे हम कैम्पा भी कहते हैं। सिमिलरली स्टेट कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी जो है वो किसको ध्यान में रखती है, किसको मैनेज करती है? स्टेट कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। साथ में ये जो एक्ट है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016, उसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ब्लू फ्लैग। अभी ब्लू फ्लैग क्या है? ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, जिससे कि जो बीचेस हैं, है ना, जो बीचेस हैं उनको अच्छी तरह डेवलप किया जा सके, फॉर एग्जांपल उनके क्लीनलीनेस के लिए स्टेप लिया जा सके और जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं बीचेस में वो डेवलप किया जा सके। इससे क्या होगा कि जो टूरिज़्म है उसको प्रमोट किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से पूछा है जो है नॉमिनेट करो ऐसे बीचेस को जिनको टैग दिया जाएगा ब्लू फ्लैग का, और फिर इनको अंडर इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोग्राम जो है उनको फंड भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि जो बीचेस हैं उनका डेवलपमेंट किया जा सके। साथ में जो सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा ब्लू फ्लैग का, किसके द्वारा, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है ड्रॉट। देखिए ड्रॉट जो है अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है, मेनली स्कैरसिटी ऑफ वाटर। अब ड्रॉट तीन तरीके का होता है, एक है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, दूसरा है मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट और तीसरा है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। जब हम हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि जो सरफेस वाटर है वो एक तरीके से रिड्यूस हो गया, काफ़ी कम है। अगर हम मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट की बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है कि किसी भी एरिया में जो रेनफॉल है वो जो एक्सपेक्टेड रेनफॉल है उससे काफ़ी कम है। दूसरा, अगर एग्रीकल्चरल ड्रॉट की बात करें तो जो सॉइल मॉइस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ये तीन कैटेगरी का ड्रॉट होता है। अभी जो मैनुअल फॉर ड्रॉट मैनेजमेंट रिलीज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें क्या है मॉडरेट ड्रॉट कैटेगरी जो है उसको हटा दिया गया है। साथ ही में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो वर्ड ड्रॉट को हटाकर क्या वर्ड यूज़ किया है, डेफिशिएंट ईयर और लार्ज डेफिशिएंट ईयर, डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ कितनी और रेनफॉल हो रही है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा कि जब सीवियर ड्रॉट कंडीशन होगी तभी जो है स्टेट को सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगा, किससे, अंडर नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, ठीक है, जो कि डिफाइंड है किसमें, सेक्शन 46 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले जैसे मान लीजिए मॉडरेट कैटेगरी थी तो इसको हटा दिया, क्योंकि अभी ये डिफाइन करना कि मॉडरेट क्या होगा ये थोड़ा सा मुश्किल था, तो हमने क्या किया नॉर्मल या सीवियर। तो जब सीवियर कैटेगरी आएगी तभी जो है सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाएगा। तो इस वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड उसको कवर किया। आप साइनोप्सिस प्रिपेयर कर सकते हैं जिससे कि जो रिवीजन है वो काफ़ी फास्ट हो सकता है। सो आई होप ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।